हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है हाईवे पे ड्राइविंग कर सकते हैं। हाईवे पे तो ड्राइविंग आप बहुत करते होंगे, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप एक बेटर जो है ड्राइविंग कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपके साथ दुर्घटना भी नहीं होगी कभी भी जिंदगी में। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जो छोटी सी घंटी आती है उसको जरूर दबा देना, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं जैसे अपनी वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में अपने एक कॉमेंट पर रिप्लाई किया है और वो पूछता है कि भाई कि हम जो है सड़क पर ड्राइविंग कैसे करें। तो मैं आपको सिंपली से बता देता हूँ, क्योंकि अब तो जो ड्राइविंग करना है वो सड़क पर हाईवे पे बहुत ही आसान है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको दो तीन सड़कें मिलेंगी। क्योंकि पहले क्या होता था, सिंगल एक सड़क होती थी, लेकिन अब दो तीन सड़कें जो है सरकार ने बना रखी है, तो उन पे ड्राइविंग करना आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं अगर आपको एक ड्राइविंग आती है। आपको कोई भी गाड़ी चलानी आती हो उससे कोई मैटर नहीं लगता, क्योंकि छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी सभी गाड़ियों में मेन चीज़ें सभी होती हैं और उनमें एक ही तरह की ज़्यादा कोई चेंज उनमें नहीं होता, सेम चीज़ें सब में होती है। लेकिन कुछ जजमेंट बनाना होता है या फिर कुछ अंदाज़ा लगाना होता है बड़ी गाड़ी में, क्योंकि उसकी जो बड़ी गाड़ी है उसकी लंबाई होती है 30-40 फीट और छोटी की होती है 5 या 7 या 10 फुट, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और उसकी जो चौड़ाई है वो 7 फुट होती है बड़ी गाड़ी की, आगे से जो केबिन होता है, और जो छोटी गाड़ी होती है उसकी जो है 4 या 5 या 3 फुट इतनी होती है, बस इतना अंतर होता है। लेकिन आज की बात कर रहे हैं कि सड़क पर ड्राइविंग कैसे। देखिए, सड़क पे सबसे ज्यादा कठिनाई कब आती है, जब कोई सिंगल सड़क आती है। मान लीजिए सिंगल सड़क है और उस पर ड्राइविंग करने में बहुत जो है मुश्किल होती है, जो ड्राइवर होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कोई छोटी गाड़ी आ जाए या कोई बाइक आ जाए, ब्रेक कैसे लगाने हैं, और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हमें विशेष का ध्यान रखना है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई गाड़ी के साथ घटना ना हो जाए, हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हमें जो है सिंगल सड़क पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो साइड में पेड़ होते हैं गाड़ी के, गाड़ी जब चलाते हैं जब सड़क के साइड में जब पेड़ होते हैं उन पर हमें फोकस बिल्कुल रखना है, कि हम जब भी चाहे वो कितने किलोमीटर का रास्ता हो या आपका 10 मिनट का रास्ता हो, 5 मिनट का रास्ता हो, तो आप उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। अगर कोई गाड़ी आगे से आती है तो उसको अपने हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से उसको पास करें। ऐसा नहीं कि दोनों गाड़ी एक साथ चली जाए, तो अगर ऊपर जो है पेड़ खड़ा होता है, पेड़ साइड में होता है, जाने में तो गाड़ी इतनी आराम से लगती है कि यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन जो पेड़ होते हैं उनसे गाड़ी टकरा जाती है। अक्सर मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा रहता हूँ और मुझे जब टाइम मिलता है तो आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है अच्छा लगता है कि किसी को मैं जो मैं यूज करता हूँ सभी चीज़ ड्राइविंग में वो आपको सभी को बता दें। क्योंकि अगर आप किसी के पास ड्राइविंग सीखते हो तो वो आपको जो है ड्राइवर 2 या 3 साल में सभी बातें बता कर देगा, इससे पहले आपको कुछ भी नहीं बताने वाला वो, क्योंकि उसे पता है कि ये ड्राइविंग जल्दी बन जाएगा। लेकिन मैं वो बंदा हूँ कि मैं सभी को फुल ज्ञान देता हूँ। ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब पर पहले नहीं देखी होगी, इन चीज़ों के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा आपको, मैं फर्स्ट टाइम बताता हूँ और क्लियरिटी से बताता हूँ, जो सच्चाई होती है वही बताता हूँ। मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता यूट्यूब वीडियो में या पर्सनल लाइफ में भी, जो भी चीज़ रियल है उन्हीं सभी चीज़ों को मैं बताता हूँ, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कुछ जो है एक नज़रिया ख़राब होता है लोगों का, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या मेरे जो भी साथ के, जो मेरे आप तो मेरे फैमिली मेम्बर आप बन चुके हो, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मेरी हर एक वीडियो को देखते हो, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताऊं जिससे कि तुम्हें भी फायदा हो और मुझे बढ़िया लगे बताने में कि हाँ मैंने कुछ बढ़िया बताया। अगर कोई चीज़ गलत बताऊंगा तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे आने वाले टाइम में। अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ आपको बताऊंगा और वो 5-10 हज़ार लोग देखेंगे और उस चीज़ को वो अपनाते हैं तो मुझे ही जो है बुराई देंगे बाद में कि इसने ऐसे बताया था और आज ये हो गया हमारे साथ। तो मैं बिल्कुल क्लियरिटी से सभी चीज़ें बताता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि आपके सहयोग से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और आपने ही मेरे जो है इतना कुछ किया है यूट्यूब पे। तो सड़कों पे हमेशा जब सिंगल सड़क होती है उस पर एक तो सावधानी हमेशा बरतें, कभी भी
जल्दबाजी ना करें और अपनी जो है दोनों साइड की जो है कीकर, पेड़, कोई भी पेड़ आता है उनको हमेशा ध्यान में रख के चले। इससे आपकी गाड़ी हमेशा बढ़िया तरीके से चलेगी और कभी कोई हानि आपको नहीं होगी। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।